वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो ते नाल ही बैल आइकन जरूर दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। अते नाल ही जेकर तुहानूं इह वीडियो चंगी लगी तां इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, हर घर दे विच रसोई बड़ी जरूरी थां है। कहा जाता है घर की सुख समृद्धि बरकत धन इन्हां सब दा वास हुंदा है। इत्थों तक कहा गया है कि रसोई घर दीआं कुछ चीज़ां कदे भी खत्म नहीं होण देणियां चाहीदियां, नहीं तो घर विच सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो यही कारण हुंदा है घर विचों बरकत ते खुशियां खत्म हो जांदियां। इसलिए रसोई घर दीआं इह चीज़ां कदे भी खत्म नहीं होण देणियां चाहीदियां। आओ फिर जानते हो किहड़ियां चीज़ां ने। अक्सर की हुंदा है रसोई विच जदों आटा पूरी तरह खत्म हो जाता है, आपां फिर ही दाणियां नूं चक्की ते सुट्टदे आं पीसण लई, ते दूजे घरों आटा मंगन चले जाने आं। पर इह गलत है, आपां नूं आटा खत्म होण तों पहलां ही पसवा के लै आउणा चाहीदा, क्योंकि अन्न नूं घर विचों कदे भी खत्म नहीं होण देणा चाहीदा, यह बरकत नहीं बन देता। दूसरी चीज है सरों का तेल। कहा जाता है कि जदों घर विचों सरों का तेल खत्म हुंदा है तां किते ना किते यह मुसीबतां नूं सीधा सद्दा देंदा है। इस नाल मनुख की जिंदगी कष्टां नाल भर जाती है, इसलिए घर विचों कदे भी सरों का तेल खत्म नहीं होण देना चाहिए। तीसरा है जी नमक अते हल्दी। यह चीज़ां भी कदे ना खत्म होण दिओ, क्योंकि जदों यह खत्म होंदियां ने ना नकारात्मकता घर विच वास करती है ते गरीबी कंगाली घर विच आउंदी है। यह दो चीज़ां कदे भी किसी नूं ना देनियां चाहीदियां ने अते ना लैनियां चाहीदियां ने। इस नाल घर बर्बाद हुंदे ने, देण वाले दा भी ते लैण वाले दा भी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।